लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए। बिल पेश करते हुए कुछ बोलेंगे आप? जी श्रीमान, श्रीमान संस्कृत बहुत प्राचीनतम भाषा है और संस्कृत भारत की संस्कृति का प्रचारक है। भारत की संस्कृति का मूल आधार श्रीमान संस्कृत है और इसमें उसको की आत्मा कहा जाता है। दुनिया की प्राचीनतम ये भाषा ही नहीं है बल्कि इस भाषा के अंदर ज्ञान विचार अनुसंधान छिपा हुआ है। माननीय मंत्री की बात के अलावा कोई और बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी। जी श्रीमान, और श्रीमान मैं सोचता हूँ कि जो विपुल भंडार संस्कृत में है उस संस्कृत के विपुल भंडार को देश की प्रगति और मानवता के कल्याण के लिए श्रीमान तीन भीमद विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालयों का दर्जा देने का लोकसभा द्वारा विधेयक पारित हुआ है। श्रीमान आज उसी विधेयक को हम आपकी अनुमति सदन की अनुमति के लिए यहाँ पर लाए हैं। श्रीमान इस संस्कृत के बारे में जवाहरलाल नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा, यदि कोई मुंह से पूछता है कि भारत के पास बहुमूल्य खजाना क्या है और इसके पास सबसे बड़ी धरोहर क्या है तो मैं बेहिचक कह सकता हूँ कि यह है संस्कृत भाषा और उसमें निहित समग्र वाङ्मय यह एक महत्वपूर्ण विरासत है जो जब तक सक्रिय रहेगी और हमारे सामाजिक जीवन को प्रभावित करेगी तब तक भारत की आधारभूत बुद्धिमत्ता बनी रहेगी। श्रीमान इस संस्कृति के बारे में जिस तरीके से नेहरू जी ने अपनी डिस्कवरी में बोला और इंग्लैंड के विलियम जोन्स ने 1786 में कहा कि संस्कृत भाषा इसकी प्राचीनता जो भी हो यह एक अद्भुत संरचना है, ग्रीक से अधिक परिपूर्ण और लैटिन से अधिक प्रचुर और इन दोनों की अपेक्षा अधिक मनोहारी और शुद्धता से परिपूर्ण है। श्रीमान मैं ये समझता हूँ कि संस्कृत भाषा के बारे में देश ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में पूरी दुनिया ने ये इसका लोहा दुनिया ने माना है श्रीमान, और ये जो तीन विश्वविद्यालय हैं यदि इस भारत की विश्व में परंपरा को देखा जाए श्रीमान तो इसी संस्कृत के अंदर श्रीमान इसके चरक चरक ऋषि जो भारत का प्रख्यात वैज्ञानिक हैं प्राचीन भारत के, उन्होंने चरक ने रक्त प्रवाह के संबंध में 300 वर्ष पूर्व ईसा के 5 गद्यांशों में इसकी व्याख्या की है जबकि विलियम हार्वे में इसका प्रथम बाद में आया। इसका मतलब 300, 400, 500 वर्ष पहले ये जो विज्ञान था ये ज्ञान था वो हमारी धरती पर था। श्रीमान बोधायन ने 400 वर्ष पहले जो प्रमेय की व्याख्या की है श्रीमान उसको सारी दुनिया स्वीकार करती है। श्रीमान आप जैसे जानते हैं कि आर्यभट्ट भी इसी धरती पर पैदा हुए, जो आर्यभट्ट ने सूर्य को पूरी दुनिया को दिया, दशमलव को दिया श्रीमान। आर्यभट्ट गणितज्ञ हुए हैं श्रीमान, महर्षि भारद्वाज वैदिक ऋषि जिन्होंने सर्वप्रथम विमान विद्या का ग्रंथ निकाला श्रीमान, वो ग्रंथ आज भी है श्रीमान और उस पर आधारित बहुत सारे अनुसंधान और शोध हो चुके हैं। श्रीमान इसी संस्कृत भाषा के अंदर कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन को दिखाया जो चेतन पुरुष और तीन गुणों से युक्त प्रकृति ही समस्त का मूल है ये उन्होंने हमको बताया। श्रीमान यही नहीं तो ऋषि कणाद ने जो वैश्विक भौतिक विज्ञान पर और जिस तरीके से उनका परमाणु आविष्कार प्रसिद्ध हुआ दुनिया में, श्रीमान ये भी मैं ये समझता हूँ कि ये जो भारतीय वैज्ञानिक है सुश्रुत श्रीमान शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है पूरी दुनिया में और इसलिए ये भी प्लास्टिक सर्जरी का जन्म होने वाले पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का ही श्रीमान हिंदुस्तान का ही ये वैज्ञानिक है। प्राचीन उस भारत की जो सभ्यता है और श्रीमान उसी को चरक ऋषि ने श्रीमान आयुषो वेदा आयुर्वेदा आयुर्वेद जिसको पूरी दुनिया में तन और मन ठीक करने के लिए श्रीमान
आयुर्वेद है। पूरी दुनिया के लोग आज इस बात को महसूस कर रहे हैं कि जो चरण संहिता है, जो आयुषोवेदा आयुर्वेद कहा गया है, इसकी जरूरत है। यदि भगवान की सबसे सुंदरतम कृति, यदि भगवान की सबसे सुंदरतम कृति मनुष्य को सुरक्षित रखना है, उसको स्वस्थ रखना है, तो बहुत जरूरी है कि आयुर्वेद आगे करें। और इसलिए श्रीमान भास्कराचार्य द्वितीय, श्रीमान भास्कराचार्य देखा जाए श्रीमान, तो खरगोल शास्त्र में पूरी दुनिया में किया है। और धरती पर श्रीमान उन्होंने कहा जो धरती पर गुरुत्वाकर्षण है उसका भी, उसके बारे में भी पूरी दुनिया जानती है, उन्होंने हमको आगे किया है। और इसलिए श्रीमान मैं ये कहना चाहता हूँ कि संस्कृत ज्ञान और विज्ञान और अनुसंधान की भाषा है। आज संस्कृत में भारतीय विज्ञान परंपरा विश्व वैज्ञानिक परंपरा में एक है। भारत के विज्ञान का उदय आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व माना जाता है। श्रीमान हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त सिंधु घाटी के प्रमाणों और वहाँ के लोगों के वैज्ञानिक दृष्टि और वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से ये पता चलता है कि ये कितनी प्राचीन भाषा है। श्रीमान प्राचीन काल में चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में, वास्तुकला के क्षेत्र में, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में कई खोज बहुत महत्वपूर्ण योगदान न केवल इस देश में बल्कि पूरी दुनिया में संस्कृत करा है। इनकी खोजों का प्रयोग आज भी उसी रूप में उपयोग किया जाता है। वैदिक युग का जो श्रीमान गणित है और जो रेखा गणित है, ज्यामिति, इसका पर्याप्त विकास यदि दुनिया में हुआ श्रीमान, तो ये निश्चित रूप में भारत की धरती पर वो पैदा हुआ है। वैदिक काल के लोग खगोल विज्ञान में अच्छा खासा ज्ञान रखते थे और ये संस्कृत भाषा का ही प्रभुत्व रहा है, उसी की कला में विज्ञता रही है कि ये चीज पूरी दुनिया के लोगों ने ली है। वैदिक भारतीयों में 27 नक्षत्र ज्ञान था श्रीमान, वे वर्ष महीने दिन के रूप में समय का विभाजन करने की पूरी ताकत और क्षमता थी। लगन नाम के ऋषि वैज्ञानिक ने ज्योतिष वेदांग में तत्कालीन खगोलीय ज्ञान को व्यवस्थित किया है। वैदिक युग की विशिष्ट उपलब्धि चिकित्सा के क्षेत्र में रही है। शरीर का सूक्ष्म से सूक्ष्म अध्ययन करना ये हमारे इन ग्रंथों में रहा है, जिसको आज पोस्टमार्टम कहते हैं श्रीमान। और इसलिए मैं समझता हूँ चाहे प्रकृति के रूप में हो, प्रकृति को बचाना, प्रकृति के साथ समन्वय करना, ये भी हमारे उन ग्रंथों में है। मौसम परिवर्तन की तमाम चुनौतियों से हमारे ये ग्रंथों का ज्ञान और विज्ञान जूझ सकता है। शरीर में सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति और रोग पैदा करने वाले आनुवंशिक कारकों को यदि सिद्धांत का ज्ञान था, तो निश्चित रूप में हमारे इन संस्कृत के ग्रंथों में था। वैदिक काल में बीजगणित है, रसायन है, भौतिक शास्त्र है, खगोल शास्त्र है, उसकी विकास की चरम सीमा थी। भारत के ऋषि और मुनि और आचार्य उस समय के महान वैज्ञानिक थे। और इसीलिए श्रीमान आज जिस काम की आवश्यकता है श्रीमान, आज मोदी सरकार उस ज्ञान और विज्ञान को देश के उन्नति और दुनिया के मार्गदर्शन के लिए लाना चाहती है। और इसलिए हम ये तीन जो डीम्ड विश्वविद्यालय श्रीमान, इन तीन डीम्ड विश्वविद्यालयों को हम पूरी तरीके से केंद्रीय विश्वविद्यालयों के रूप में विकसित करके उस ज्ञान और विज्ञान को पूरी दुनिया में सरसाना चाहते हैं। श्रीमान मैं ये भी कहना चाहता हूँ न केवल इस देश में, यदि देखा जाए श्रीमान तो पूरी दुनिया में आज जर्मनी में 14 विश्वविद्यालय है श्रीमान। दुनिया के 250 विश्वविद्यालयों में संस्कृत पढ़ाई जाती है, सैकड़ों वर्षों से पढ़ाई जा रही है श्रीमान, क्योंकि वो लोग अच्छे से जानते हैं इस बात को कि संस्कृत ग्रंथों में वो वेद है, पुराण है, उपनिषद है, चरक संहिता सहित हजारों वो ग्रंथ हैं जिसमें पूरी दुनिया का ज्ञान और विज्ञान समाया है। इसी ज्ञान और विज्ञान को पूरी ताकत के साथ विस्तार देने के लिए ये तीन डीम्ड विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया गया है श्रीमान। और इसलिए मैं ये समझता हूँ श्रीमान कि यदि ये संस्कृत
भारतीय भाषाओं को भी सशक्तिकरण देती है। संस्कृत हमारे संविधान के अनुच्छेद 351 में सीमा बहुत स्पष्ट लिखा है कि जो हमारी भारत की 22 भारतीय भाषा है हम इनको सशक्त करेंगे, और हिंदी के विकास के लिए मूलतः संस्कृत और गौणतः सभी भारतीय भाषाओं से इसको समृद्ध करेंगे। श्रीमान, मैं समझता हूँ ये संस्कृत की खूबसूरती है कि यदि संस्कृत में आकाशाह बोलते हैं तो हिंदी में आकाश बोलते हैं, तेलुगु में आकाशम बोलते हैं और कन्नड़ में आकाशन बोलते हैं। श्रीमान, भूमि ही संस्कृत में यदि भूमि बोलेंगे तो हिंदी में भूमि बोलते हैं, तेलुगु में भूमि बोलते हैं और कन्नड़ में भी भूमि बोलते हैं। नमस्कार, नमस्कार हिंदी में नमस्कार, तेलुगु में नमस्कारम और कन्नड़ में भी नमस्कार होता है और उड़िया में भी नमस्कार होता है। प्रसाद, प्रसाद हिंदी में बोलते हैं प्रसादम, तेलुगु में बोलते हैं श्रीमान और प्रसाद ये कन्नड़ में बोलते हैं और प्रसाद ये उड़िया में बोलते हैं। सभी भारतीय भाषाएं उसमें 60 से लेकर 70% तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में यह संस्कृत समाई हुई है, और इसलिए मैं ये समझता हूँ उड़िया भाषा में तो जो क्रिया पद है वो भी संस्कृत मूलक है। श्रीमान, वो कुर्वंती कहते हैं, वो उड़िया में कहते हैं श्रीमान करुछंती, इधर धरियंती बोलते हैं उधर धरुछंती बोलते हैं, उधर ये संस्कृत में कथयंती बोलते हैं कछुयंती बोलते हैं। तो यदि देखा जाए श्रीमान तो इतना ही नहीं, देश की जो भाषा है वो तो है ही श्रीमान, यदि मैं दुनिया की भाषाओं को भी देखूं तो संस्कृत भाषा से जो अंग्रेजी भाषा है उसकी भी उत्पत्ति मान सकते हैं। श्रीमान, मातरा संस्कृत में बोलते हैं, अंग्रेजी में उसी को मदरा बोल रहे हैं, भातर भ्रातरा संस्कृत में बोलते हैं उधर ब्रदरा बोलते हैं, दुहिता डॉटर दो को तू बोलते हैं। श्रीमान, यदि देखा जाए तो दुनिया की सारी भाषाएं कम से कम दर्जनों दर्जनों भाषा इस बात का सबूत है कि संस्कृत के शब्दों को ही दुनिया की तमाम भाषाओं ने लिया है। इसलिए श्रीमान मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो प्राचीन वैज्ञानिक थे, इस भाषा में जो ग्रंथ हैं, जो ज्ञान और विज्ञान अनुसंधान है, वो न केवल हिंदुस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया की मानवता के लिए है। और क्योंकि हिंदुस्तान का विचार अयम निधा परोवेति गणा लघु चेतसाम उदार चेता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम्, पूरी वसुधा को हमने कुटुम्ब माना है, इसलिए ये जो संस्कृत है इसका जो वैभव है, इसका ज्ञान और विज्ञान है, ये पूरे विश्व के लिए है। और मैं समझता हूँ, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो भारत एक ऐसा सशक्त भारत चाहिए, जो स्वस्थ भारत हो, समृद्ध भारत हो, सशक्त भारत हो, श्रेष्ठ भारत हो और एक भारत हो, वो इससे हो करके गुजरेगा श्रीमान। और निश्चित रूप में जो ये संस्कृत के 3 विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय बना रहे हैं, इससे हमको देश और दुनिया में उसके फलक को लेकर, उसके ज्ञान विज्ञान, उसका योग आयुर्वेद सही तमाम उन विधाओं को जिसमें हिंदुस्तान पूरी दुनिया में लीडरशिप लेगा श्रीमान। और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि सारी भारतीय भाषाएं हम उनको भी सशक्त करना चाहते हैं, और ये जो संस्कृत में हमको जो संपदा है हमारी, ये तमाम गुलामी के थपेड़ों ने और अंग्रेजों ने जिस तरीके से हमारी उस संपत्ति को, हमारे उस विजन को, हमारे उस विज्ञान को नष्ट करने की कोशिश की है, ये 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय, फिर प्राचीन भारत जो विश्वगुरु था भारत, वही विश्वगुरु भारत बनाने की श्रृंखला में ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान देंगे। और इसीलिए मैं श्रीमान जो लोकसभा से ये बिल पास होकर के यहाँ आया है, मैं बहुत विनम्रता से ये कहना चाहता हूँ ये देश के हित में, दुनिया के हित में, मानवता के हित में है, इस बिल को सर्वसम्मति से पास किया जाए। मैं ये कह करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।